के प्रभु, अगर काकाश्री की सेना ने समंत नदी पार कर ली तो वो गजनवी को रोक पाएंगे ना? अवश्य पुत्री, परंतु युद्ध में अनिश्चितताएं बहुत होती हैं, हर क्षण परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा। ये आप कह रहे हैं सर्वज्ञ प्रभु? आइए। ध्वनि परावर्तन कहते हैं, जब एक केंद्र से उत्पन्न ध्वनि इन पर्वतीय श्रृंखलाओं से टकराकर पुनः वापस आती है तो उस ध्वनि की गूंज को बार बार सुनने से हमें यह एहसास होता है और यह क्रम तब तक चलता है जब तक वह ध्वनि इस वातावरण में घुलकर समाप्त नहीं हो जाती। अब हमें शीघ्र चलना चाहिए, हमें सामंत नदी भी पहुंचना है ना? सर्वज्ञ प्रभु। श्रीमान, आप तो व्यर्थ में मुझे इतनी दूर से यहाँ ले आए। अरे सर्प का विष तो मैं आपको वहीं दे देता। लाओ खेग दो। श्रीमान, इसकी केवल आधी बूंद से स्वर्ग के दर्शन सक्षम हो जाते हैं। यदि यह विष असली ना हुआ और इसने अपना द्रुतगामी प्रभाव नहीं दिखाया तो मैं तुमसे यह स्वर्ण मुद्राएं वापस ले लूंगा। कैसी बात कर रहे हैं श्रीमान, असंख्य सर्पों को इकट्ठा करके उनका निकाला गया विष है, परंतु आपको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? हाँ, लगता है किसी औषधि के लिए चाहिए। इसका परीक्षण करना अति आवश्यक था। सर्वज्ञ प्रभु, हम सामंत नदी तक पहुंच गए। अब तक तो काकशी और उनकी सेना के साथ उनको आ जाना चाहिए था। समय बीतता जा रहा है, गजनवी किसी भी समय अरावली को पार कर जाएगा। चालुक सेना के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं, हम यहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करेंगे। सैनिकों, यह हमारा आखिरी पड़ाव है। हम यह तो नहीं जानते इस युद्ध में जीत किसकी होगी, परंतु एक बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं। आप सभी वीर योद्धाओं का सेनापति बनकर हमें गर्व है। जय सोमनाथ। चलो। रुक जाइए महाराज, पहले कुछ सैनिकों को नदी में प्रवेश करने दीजिए। वो अनुमान लगाएंगे कि पानी अधिक गहरा तो नहीं है, उसके पश्चात आप प्रवेश करें। ये पानी में तो विष है।
गौरव। सम्राट गुर्जर गौरव, गुर्जर गौरव आंखें खोलिए, आंखें खोलिए गुर्जर गौरव। अरे वैद्य जी को लाओ जल्दी, मेरी ओर देखिए, पलके झपकाते रहिए, अब सोमनाथ महाले को कोई नहीं बचा पाएगा। हे सोमनाथ, हे सोमनाथ। सोमनाथ की बेशुमार दौलत हमारे कदमों में आने के लिए बेचैन है। से ऐसे रहने दो इंदु बहन, शायद बहुत ही शीघ्र ये हमारा होने वाला है। क्या कहा? अरे कुछ नहीं इंदु बहन, इस समय हम तुमको ऐसा समाचार सुनाने वाले हैं कि तुम खुशी से पागल हो जाओगी। शीघ्र बताओ भानु भाई। तुम्हारे परम पूजनीय देवर्षि महाराज दद्दा चालुक्य विषाक नदी में उतर गए, अब बेचारे जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर। हे भगवान, हमारे देवश्री मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। हे भगवान, शीघ्र ही मुक्ति दिला दो। हमें भरूच का राज सिंहासन दिला दो। भानु भाई, आज तुमने हमें प्रसन्न कर दिया। जाओ भाई जाओ और हमें समाचार शीघ्र सुनाओ कि भरूच नरेश अब नहीं रहे। वैद्य जी, हमारे गुर्जर गौरव को स्वस्थ होने में और कितना समय लगेगा? सम्राट, सेवक अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा है, परंतु चेतना आने में कुछ समय तो लगेगा। हमारे पास समय की ही तो कमी है वैद्य जी, आप हमें ठीक ठीक बताइए, एक एक पल बहुमूल्य है। सम्राट, ठीक ठीक बता पाना तो संभव नहीं, परंतु ये सत्य है कि सामंत नदी में जो विष मिलाया गया वो अत्यंत विषैला है। राजकुमारी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे काकाशी को कुछ नहीं होगा, वो शीघ्र ठीक हो जाएंगे। हम जानते हैं राजकुमार, जिसके साथ भगवान सोमनाथ होते हैं उन्हें कुछ नहीं होता। परंतु इस समय प्रश्न उसी सोमनाथ महले की रक्षा का है। दद्दा चालुक्य की सेना
नदी के उस पार रुकने पर विवश है। पानी अब तक विषाक्त है, वो चाहकर भी नदी के इस पार नहीं आ सकते। और विडंबना यह है कि मुल्तान नरेश की सेना का भी अब तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी विषम परिस्थिति का लाभ उठाकर कृष्णवी सोमनाथ महले पहुंच जाएगा। जैसे ही काकाशी स्वस्थ होंगे वैसे ही उनकी सेना गजनवी को रोकने के लिए आगे बढ़ जाएगी। उन्हें रोकने के लिए ही तो गजनवी ने सामन नदी में विष मिलवाया है। पुत्री, गजनवी के इस नृशंस अभियान को रोकने के लिए ही भगवान सोमनाथ की कृपा से हमने तुम्हारा चयन किया था, परंतु तुम तो काकाश्री की। क्षमा कीजिएगा सर्वज्ञ प्रभु, हमारे काकाश्री के होते हुए गजनवी कभी भी सोमनाथ महल तक नहीं पहुंच सकता था, परंतु उसने। इसमें संदेह नहीं है कि दद्दा चालुक की सेना गजनवी को रोकने का प्रयास अवश्य कर सकती थी, परंतु भगवान सोमनाथ ने उनके महले की रक्षा का भार तो तुम पर सौंपा है। हमें ऐसा कोई रणबांकुरा नहीं दिखाई दे रहा जो उस नृशंस लुटेरे को रोक सके। हम रोकेंगे कृष्णवी को। सकता हमें, सोमनाथ की बेशुमार दौलत हमारे कदमों में आने के लिए मचल रही है, बस चंद मील और। राजकुमारी ये तो बताइए हम कहां जा रहे हैं? सर्वज्ञ प्रभु, गजनवी इसी में आपसे जाने वाला है ना? हाँ पुत्री। जय सोमनाथ। क्यों बैठे हो मजबूर से, समय पुकारे दूर से। क्यों बैठे हो मजबूर से, समय पुकारे दूर से। यदि सोमनाथ महले को गजनवी से बचाना है तो हमें यहां अब एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। हम सब जानते हैं कि गुर्जर गौरव के बिना गजनवी को रोकना थोड़ा कठिन होगा, परंतु फिर भी परिणाम की चिंता ना करते हुए आगे बढ़ने का आत्मविश्वास जो आप सबकी आंखों में झलक रहा है उसे देखकर मैं धन्य हो गया। सम्राट, गजनवी को रोकने के लिए हमें सामंत नदी पार करनी होगी। नहीं, नदी का जल अभी भी विषाक्त है। अब हमें कैसे भी किसी भी तरह अरावली पर्वत तक शीघ्र पहुंचना होगा और वहां पहुंचकर उस लुटेरे गजनवी को चारों ओर से घेर लेंगे। सौगंध है हमें सोमनाथ की, उसे ऐसा दंड देंगे कि दोबारा भारत की ओर आंख उठाकर देखने का दुस्साहस कभी नहीं करेगा। परंतु कूच करने से पहले गुर्जर गौरव को स्वास्थ्य लाभ के लिए भरूच भेज दिया जाए। भगवान ना करे यदि हमें कुछ हो जाए तो गजनवी को उसकी बर्बरता का दंड देने के लिए वो तो उपस्थित रहेंगे। आदिनाथ, गुर्जर गौरव को भरूच वापस ले जाया जाए। हमें शीघ्र अति शीघ्र अरावली पर्वत पहुंचना है। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। सम्राट, Thank you.
सम्राट, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। क्षमा करें महाराज, आपको विश्राम की आवश्यकता है, अभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं। एक योद्धा रणभूमि में वीरगति प्राप्त करने पर आचार्य विश्राम करता है। सम्राट हमें आज्ञा दीजिए कि अब संयुक्त सेना का नेतृत्व करें और महमूद गजनवी को मारकर उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने। गुर्जर गौरव, आप पहले भी हमारे सेनापति थे और अब भी हैं। आपके नेतृत्व में युद्ध करना हमारे लिए गौरव की बात है। धन्यवाद सम्राट। संगठित सेना के वीर योद्धाओं, नदी का पानी विषैला होने के कारण अब हमें पर्वतीय मार्ग से जाना होगा, जिसके लिए हमें 50 मील की अतिरिक्त यात्रा करनी होगी। हमें एक पल भी गवाए यह यात्रा पूरी करनी है। हमें इस मार्ग से जाना होगा, हमें अरावली पर्वत पहुंचना है। वीर सैनिकों, हमें 10 गुना अधिक गति से आगे बढ़ना है और गजनवी को मात देकर यह बताना है कि युद्ध उसने हम पर थोपा है। इस आतंक की शुरुआत उसने की है, अब उसे मात देकर उस आतंक का अंत हमें करना है। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। सोमनाथ की बेशुमार दौलत हमारे कदमों में आने के लिए बेचैन है। अरावली की पहाड़ियां हमारा आखिरी पड़ाव है, इसके बाद सोमनाथ के जवाहरातों की झिलमिलाहट हमारा इस्तकबाल करती नजर आएगी। बढ़ते रहो जांबाजो, इंतजार के लम्हे खत्म होने वाले हैं। सोमनाथ की बेशुमार दौलत हमारे कदमों में आने के लिए बेचैन है। सब लूट लेंगे, एक जर्रा भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह खैर, गजब खुदा का, ऐसी आवाजें तो हमारे अजीम शान लश्कर के कदमों से भी नहीं आती। लगता है हिंदुस्तान का कोई बहुत बड़ा लश्कर हमारी तरफ पड़ा चला आ रहा है।